ट्रिग्नोमेट्री फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए वीडियो नंबर 26। इसमें हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि क्वेश्चन है हमारा जीरो लेस देन इक्वल टू यानी एक्स लाइक रहा जीरो एंड पाई के बीच एंड फाइंड द वैल्यू 81 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 30। देन एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, एक्स किसके इक्वल होगा। क्वेश्चन था 81 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 की पावर कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 30, यानी कि 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स को हमने बाई लेट किया, साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया बाई, एंड इसको तोड़ लेंगे 81 की पावर 1 एंड 81 की पावर माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू बाई, ये अपोन में आ जाएगा 81 अपोन 81 की पावर कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू बाई। तो यहाँ पे इसको पचा ले जाएंगे, ये हो जाएगा 81 अपॉन वाई इक्वल टू 81 की पावर कोस स्क्वायर एक्स, 81 की पावर कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 81 अपॉन वाई। यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी जो वैल्यू से वाई होगा और ये हो जाएगा 81 अपॉन वाई इक्वल टू 30। सॉल्व कर लेंगे इसको, वाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एलसीएम लिया यहाँ पे, ये होगा वाई वाई स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू 30, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू 30 वाई, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस का 30 वाई प्लस 81 इक्वल टू 0। 81 के फैक्टर जिनका सम 30 हो, 81 27 से 81 होता है, तो 27 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 27 प्लस 3 इक्वल टू 30, 27 प्लस 3 इक्वल टू 30, यानी कि 27 ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई माइनस का 3 वाई प्लस 81 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे, तो वाई कॉमन लिया, ये होगा वाई वाई माइनस का 27 माइनस का 3 वाई माइनस का 27 इक्वल टू 0, वाई माइनस 27 एंड वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, वाई माइनस 27 इक्वल टू 0 एंड वाई माइनस का 3 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 27। वाई की वैल्यू पुट कर देंगे 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 27 और यहाँ हो जाएगा 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3। अब इसको लिखा जा सकता है 81 की पावर 81 यानी कि 3 की पावर 3 तेरह 9 27 81 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 27 को 3 की पावर 3 लिखेंगे, ये भी हो जाएगा 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 की पावर 1। कंपेयरिंग द पावर्स, पावर्स की कंपेयरिंग या तुलना करने पर यानी कि 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 4 साइन एक्स इक्वल टू होगा अंडर रूट 3 बाई 2। देन एक्स का वैल्यूज हो जाएगा कितना, एक्स इक्वल टू साइन 60 होगा, साइन 60 यानी कि एंगल होगा पाई बाई 3। दूसरा यहाँ पे एक एंगल एक कंडीशन और निकल आएगा एंड 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाई 4 साइन एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 यानी कि एक्स इक्वल टू होगा पाई बाई 6। जो सुटेबल आंसर है वो आता है पाई बाई 6, यानी एक्स का वैल्यू पाई बाई 6 इज द इसका सुटेबल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस पाई बाई 7 कोस 2 पाई बाई 7 एंड कोस 4 पाई बाई 7 की वैल्यू फाइंड करना है, ये टीजीटी में आ चुका है क्वेश्चन। तो हमने इसको लेट कर लिया एक्स, एक्स इक्वल टू मान लिया कोस पाई बाई 7 कोस 2 पाई बाई 7 कोस 2 पाई बाई 7 एंड कोस 4 पाई बाई 7। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग कर देंगे 2 से एंड साइन पाई बाई 7 से दोनों साइड में, यानी कि 2 साइन पाई बाई 7 कोस पाई बाई 7 एंड कोस 2 पाई बाई 7 कोस 4 पाई बाई 7। ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 ए 2 साइन ए कोस ए साइन 2 ए, यानी कि साइन 2 पाई बाई 7 कोस 2 पाई बाई 7 एंड कोस 4 पाई बाई 7। यहाँ पे 2 से और मल्टीप्लाइंग कर देंगे, ये हो जाएगा 4x साइन पाई बाई 7 2 साइन ए कोस ए साइन 2 ए हो जाएगा, यानी कि साइन 4 पाई बाई 7
कोस 4π/7, 4x साइन पाई बाई सेवन। अब बात आती है वहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाइंग कर दी जाए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और हो जाएगा 8x साइन पाई बाई सेवन इक्वल टू साइन, साइन 2 है, 2 साइन है, कोसे साइन 2 है, यानी कि साइन 8π/7। 8π/7 आ गया, साइन एक्स बाई सेवन आ गया। अब इसको थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, पाई बाई सेवन, 8π/7 को लिख सकते हैं 8x साइन पाई बाई सेवन इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई सेवन। साइन पाई प्लस पाई बाई सेवन होगा माइनस का साइन पाई बाई सेवन, यानी 8x साइन पाई बाई सेवन, साइन पाई बाई सेवन से कैंसिल हुआ, 8x इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस का 1/8। यानी टोटल क्वान्टिटी जिसको एक्स माने थे उसका वैल्यूज फाइंड करना है, देन एक्स इक्वल टू आ गया माइनस 1/8। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इक्वल टू 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 3, इसका वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा 1, साइन थीटा 2 एंड साइन थीटा 3 तीनों ही 1 के इक्वल रहे होंगे, यानी कि साइन थीटा 1 अगर 1 है तो ये होता है साइन 90 की वैल्यू, यानी कि थीटा 1 इक्वल टू 90, एंड 90 को यानी पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ये थीटा 2 होगा, यही थीटा 3 होगा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 इक्वल टू पाई बाई 2। ऐसी कोस में हमको वैल्यू लेना है, कोस में वैल्यू ड्रा कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉस कोस पाई बाई 2 प्लस कोस पाई बाई 2 प्लस कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 0 होता है, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, कोस 90 की वैल्यू 0 हुआ करती है, यानी कि कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 3 इक्वल टू आ जाएगा 0।